हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी फैंटेसी स्पोर्ट्स में। तो गाइस, इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं इंग्लिश टी20 ब्लास्ट मैच मिडिलसेक्स वर्सेस ससेक्स के बीच में होने वाले यहाँ पे मैच की, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही कंप्लीट टीम बना के दूंगा, साथ में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे यहाँ पर दोनों टीमों ने क्या रिकॉर्ड किया है और कैसा यह पिच का है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, जो फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे मैं सारे मैच कवर करता हूँ, चाहे वो T10 है चाहे वो T20 है, सारे मैच यहाँ पे मैं कवर करता हूँ क्रिकेट में और फुटबॉल में। तो आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मैच की। तो गाइस, पहले यहाँ पर बात करेंगे ना पिच की। तो पिच यहाँ पर भाई ये लॉर्ड्स का है, ठीक है, लंदन का पिच है। और यहाँ पे स्पिन यानी कि बैलेंस है, ठीक है, पेस स्पिन बैटिंग सब के लिए बराबर यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बैटर्स के लिए ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्कोर यहाँ पे ज़्यादा भी जा रहे हैं भाई, 200-200 के अराउंड यहाँ पे स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। जितना जहाँ पे रिसेंट मैचेज हुए हैं उसको अगर यहाँ पे देखें, तो जहाँ पर कई बार यहाँ पर पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो कई बार स्पिनर को, और कई बार यहाँ पर बराबर ही होता है, ठीक है, पेसर्स स्पिनर और यहाँ पर रन, बट यहाँ पर रन होते हैं करीब 170 प्लस। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्लेयर्स के पूरे स्टेट्स। तो देखो भाई, बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए बहुत ही प्यारा, भले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो इसमें गाइज आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने सारे प्लेयर्स का यहाँ पे रिकॉर्ड आपको बना के दे रखा है। तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक नंबर पे खेलने के लिए आएंगे यहाँ पे, इनकी प्लेइंग 11 अगर ये रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे टी क्लार्क आएंगे, ठीक है। क्लार्क का आप रिसेंटली परफॉर्म देखेंगे लास्ट के, पहले तो आपसे सेक्स टीम की बात की जाए, तो यहाँ पर लास्ट के जो 6 मैच इन्होंने खेले हैं, यहाँ पर ये सिर्फ 5 मैच जीते हैं, सॉरी 5 मैच हारे हैं और एक मैच उन्होंने यहाँ पे सिर्फ जीता है, यानी टीम परफॉर्मेंस बहुत ही इनका बेकार चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे आप क्लार्क की बात करेंगे तो क्लार्क का यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनका ओपनिंग आएगा क्लार्क आएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा टी हैंस आएंगे, ठीक है। टी हैंस का भी आप यहाँ पर परफॉर्म देखेंगे, बहुत ही यहाँ पर बेकार परफॉर्म चल रहा है। तो आप टी हैंस का देखेंगे लास्ट के 3 मैचेस में 9-8-8 यहाँ पर स्कोर उन्होंने किया, तो काफ़ी बेकार यहाँ पे परफॉर्म है। और यहाँ पे आप टी क्लार्क का भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट के जो 6 मैच उन्होंने खेले हैं, कितना ही घटिया परफॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलसोप आते गए, यहाँ पे ना बहुत अच्छे प्लेयर है और इनको काफ़ी यहाँ पे T20 खेलने का भी इनको यहाँ पे तजुर्बा है भाई, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अलसोप पहले हैम्पशायर से खेलते थे, अभी यहाँ पर ससेक्स टीम इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। तो अलसोप का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इनिंग इन्होंने अच्छी खेली है, 51 एंड इन्होंने यहाँ पर 58 रन इन्होंने यहाँ पे मारे हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्म करते हुए आपको मिल जाएंगे, और विकेट कीपर भी है तो आपको यहाँ पर इनको रखना है, आपको कैच वैच के चांस यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे रवि उपारा, इनके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर देखेंगे उपारा ने 88 रन मारे हैं, रन भी इन्होंने ठीक ठाक किए हैं, 50 भी लास्ट मैच में इन्होंने 50 रन किए थे, 4 ओवर फेंक के 33 रन देके 1 विकेट, यानी कि वैल्यूबल प्लेयर होने वाला आपके लिए। तो भाई आपको ना भोपारा को पक्का अपनी टीम में यहाँ पे रखना। उसके बाद गए जहाँ पे आप देखेंगे सदाब खान जो पाकिस्तान के यहाँ पे प्लेयर हैं, तो आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, एक मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और एक, यानी कि लास्ट के 1, 2, 3, 4, 5 मैच जो उन्होंने खेले उससे सिर्फ 4 विकेट लिए, वो भी एक मैच में बस से छा गए थे जहाँ पे स्पिन ट्रैक थोड़ा हो गया था, बाकी इनका कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं, बट आपको इसको अपनी टीम में रखना है क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसके बाद गए जिनके यहाँ पे बर्गेस आते हैं, उनका भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, एज ए विकेट कीपर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गए यहाँ पे गाल्टन है, गाल्टन का आप यहाँ पर देखेंगे ठीक ठाक परफॉर्मेंस, लास्ट 2 मैच खेले नहीं है, अगर खेलते हैं तो आपको गाल्टन को अपनी टीम में रखना है। उसके बाद गए यहाँ पे मैकएंड्रयू है, मैकएंड्रयू का आप देखेंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बिग बैश लीग का भी इनको तजुर्बा काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रन भी कर लेते हैं और यहाँ पर आराम से अपना विकेट भी निकाल सकता है, अगर ये खेलते हैं तो आपको इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे कॉल्स है, कॉल्स का ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है, आप देखेंगे कुछ 1, 2, 3, 4, 6 मैच खेले हैं, उसमें से 4 में इन्होंने बॉलिंग कराई है बट इन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, तो इसलिए मैं अगर आप कॉल्स को लेते हैं एज ए आप इसको ग्रैंड लीग ना प्रेफर कर सकते हैं कैप्टन, क्योंकि ग्रैंड लीग का भाई आपके लिए पंटो हो सकता है प्लेयर, ठीक है, तो आप इसको एज ए ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे एज ए ग्रैंड लीग की एक और पिक आती है प्रिटेन, तो प्रिटेन को अपनी टीम में आप रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रैंड लीग का पिक हो सकता है। देखो इसने 1, 2, 3, 4, 5 मैच खेले हैं, एक भी विकेट नहीं लिया है, ओवर कर रहा है सिर्फ 2-2 ओवर, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी स्टेट्स यहाँ पे बना के दी, तो आप इसको एज ए ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर ये चल गया तो काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस, यानी कि आप सीधे फर्स्ट रैंक पे ही आओगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे तायल मिल्स है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मिल्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस है। हर मैच में इसने विकेट लिए, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो यानी कि लास्ट के जो इसने 5 मैच खेले हैं उसमें इन्होंने यहाँ पर 11 विकेट लिए, ठीक है। तो इस प्लेयर को आप एज ए स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आते हैं क्रोकम, तो क्रोकम का भी देखेंगे यहाँ पे ठीक ठाक ही रिकॉर्ड है, 1 मैच में 3 विकेट लिए थे। लास्ट मैच में इन्होंने ओवर नहीं कराए थे, तो रिस्क रहेगा भाई, ठीक है। ये पूरा 4 ओवर फेंकने वाला बॉलर नहीं है, आप चाहे तो उसको ग्रैंडिक में ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। और 1 मैच यहाँ पे खेला लैंसम ने, बट इन्होंने उसके बाद कोई मैच नहीं खेला, तो बाकी क्या आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं गाइज, कुछ खास यहाँ पर रिकॉर्ड है नहीं। तो गाइज ये तो हो गई आपको सेसेक्स के सारे प्लेयर, मैंने आपको ब्रीफली समझा दिए हैं कैसे कैसे आप इनको यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं सबसे घटिया टीम की, तो वो है गाइज यहाँ पे मिडिलसेक्स। तो मिडिलसेक्स का आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे मैच उन्होंने हारे हैं, ठीक है। लॉस बाय 73 रन, 8 विकेट, 2 रन, ठीक है। तो कोई भी मैच उन्होंने जो पिछला 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 मैच ये लोग हारे हैं। तो ये तो आपको समझ गए कि आपसे सेक्स का थोड़ा सा ना चांसेस ज़्यादा है जीतने के मिडिलसेक्स के हिसाब से, बट मिडिलसेक्स भी चाहेगी भाई कि एक कम से कम एक मैच तो जीते, है ना। तो ये चीज़ आप देख के चलना। तो इनका जो ओपनिंग करने आएगा, ठीक है, तो ये सारा इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ओपनिंग में स्किनजे आएगा, तो स्किनजे का आप देखेंगे 2 मैच इसने अच्छे खेले थे, उसमें इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते 31, 54 एंड 59 रन इन्होंने यहाँ पे किए थे। तो ये प्लेयर भाई परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लेयर है, ठीक है। तो आप इसको अपनी टीम में ट्राई कर लेना। उसके बाद गए यहाँ पर आते हैं जो है क्रैकनल, ठीक है। तो एज ए विकेट कीपर भी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 42 एंड 77 रन इन्होंने यहाँ पे किए हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर आपको हो सकते हैं। उसके बाद गए यहाँ पे पीटर मलान है, इन्होंने सिर्फ 1 इनिंग में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, इन्होंने यहाँ पे 80 रन मारे थे। उसके बाद इनके कुछ खास अच्छे परफॉर्मेंस अभी तक आ नहीं रहे, 2, 11, 8, 21, मीन स्टार्ट तो अच्छा कर रहे हैं बट उसको एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वही चीज़ गाइस यहाँ पे मैक्स होल्डन पे यहाँ पे लागू होती है। मैक्स होल्डन का भी आप देखेंगे कोई बड़ी इनिंग इन्होंने यहाँ पर खेला नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैक्स होल्डन को भी आप यहाँ पे पिक भी कर सकते हैं एंड इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे रियान हिगिंस आते हैं, हिगिंस एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ठीक है। 5वें 6वें नंबर पे आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, और ओवर भी 2 या उससे ऊपर फेंकने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पर इनका यहाँ पे विकेट का जो रेशियो है ना बहुत ही कम है। लास्ट के यहाँ पे इन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं, तो इसलिए आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे है होलमान, तो होलमान का आप देखेंगे सारा रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक ठाक है, ग्रैंडिक में आप इसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद गए यहाँ पे इनके विकेट कीपर आते हैं, वो है सिम्सन, उसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद गए यहाँ पे एंडरसन आते हैं, ठीक है। तो आप एंडरसन का यहाँ पे रिकॉर्ड देखेंगे कि लास्ट के ठीक ठाक ही, मतलब जितना मैच इसने खेला उतने इसने यहाँ पे विकेट भी दिलाए हैं, तो 4 ओवर फेंकने वाला प्लेयर आपको यहाँ पे लग सकता है, तो आप इसको भी ट्राई भी कर सकते हैं या इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। एज ए ग्रैंडिक के लिए या काफ़ी अच्छा प्लेयर आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद गए यहाँ पे है फ्रेंडेस, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंडेस का रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है, ठीक है, इसको भी आप ग्रैंडिक में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं या ले सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे टॉम हेल्म, टॉम हेल्म का भी गाइस यहाँ पर ठीक ठाक, 1 मैच बहुत ही गंदा पिट गया था भाई, 4 ओवर में 70 रन दे दिए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से पिटाऊ प्लेयर भी है, पर ये क्या है कि यार विकेट भी ले सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसने पहले मैच में यहाँ पे 3 विकेट ले लिए थे, 4 ओवर में 38 रन देखे 3 विकेट, पर उसके बाद इसने कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म किया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा भाई ये भी रिस्क रहेगा उस हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुलन है, कुलन भी यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, कोई भी प्लेयर यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइम मिल्स के अलावा जो सेक्स के प्लेयर है। यहाँ पे देखिए कुलन का भी रिकॉर्ड 3-2, 0-0-0, ठीक है, पर ओवर पूरे फेंक रहा है भाई, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ओवर इसने 4-4, 4-3, 4-4, 3, यानी कि ओवर इसने पूरे के पूरे यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके लिए प्लेयर अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे डेविस है, टीआर जोन्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी चैल है, इसको भी आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो लास्ट मैच में यहाँ पे खेला था वावालिता, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एज ए ग्रैंडिक में। तो ये तो हो गए भाई इनकी टीम, इस हिसाब से आप यहाँ पे खेल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल 11 फैंटेसी की, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है आप लोगों के लिए। देखो इसमें चेंजेज हो सकते हैं, क्योंकि ना जो ये इंग्लिश T20 ब्लास्ट के में होते हैं ना मैच, इसमें इस स्क्वाड आते हैं। अब मैंने तो अभी यार इतना टाइम नहीं लिया कि मैं यहाँ पे ट्विटर पे जाकर इनका चेक करूँ क्या स्क्वाड है, बस मैंने एक सिंपली टीम आपको बना के दे दी है, क्योंकि आजकल तो लाइनअप आ ही जाती है, तो हमको इतना ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं कि कौन खेल रहा हो तो पता चली जाएगा, तो उसमें मैं आपको एक बेस्ट टीम बना के दे दूँगा। तो फिलहाल भाई यहाँ पर टीम है मेरे, यहाँ पर मैंने बोपारो को पिक किया है, सदाब खान को किया है, एंडरसन को किया है, होलमान को किया है, स्कैंजाई, क्रैकनल, अल्सोप, मिल्स, हेल्म,
मैकएंड्रू एंड यहाँ पे कंबल, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टन मेरे बोपारा रहेंगे एंड वाइस कैप्टन यहाँ पे शादाब खान रहेंगे, दोनों ही ठीक ठाक ऑप्शन है। कैप्टन तो भाई बोपारा को ही रखना और ज़्यादातर लोगों का बोपारा ही रहेगा। वाइस कैप्टन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वाइस कैप्टन के आपके यहाँ पे बतरे ऑप्शन है, अलसोफ है, क्रैकनल है, होलमान है, एंडरसन है, टाइम मिल्स है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये टीम गाइज मेरी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, फिक्स टीम आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके गाइज, और आज भी मैंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे विनिंग की है, लगभग हर दिन मेरा टारगेट रहता है 1 लाख प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉस में तो ज़रूर आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपका लॉस कवर करने की। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।